अभी अभी बीपीएससी के चेयरमैन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ख़त्म कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को, उसमें सबसे बड़ा ऐलान ये किया गया है कि जो भी तैयारी का एग्ज़ाम होने वाला है बीपीएससी का, उससे निगेटिव मार्किंग को ख़त्म कर दिया गया। भले ही क्वेश्चन पेपर प्रिंटेड हो चुके हैं, उस पर लिखा हुआ रहेगा कि नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन इनका कहना है कि अब नेगेटिव मार्किंग हटा दिया गया है केवल इस बार के लिए। अगली बार हो सकता है नेगेटिव मार्किंग रहे, लेकिन उन्होंने विशेष जोर दे के इस बात को बोला है कि इस बार के लिए हम लोग नेगेटिव मार्किंग हटा रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है। जितने भी कैंडिडेट हैं जो टीआरई की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे वो प्राइमरी के हो, चाहे वो हाई स्कूल के हो, चाहे वो प्लस टू के हो, सबके लिए बहुत ही बड़ी खबर है कि इस बार जो भी एग्ज़ाम में बैठेंगे उनको अब नेगेटिव मार्किंग से डरना नहीं है, पूरे क्वेश्चन पेपर को सोल्व करके आना है। और ये बहुतों को फ़ायदा कर जाएगा। ये नेगेटिव मार्किंग के वजह से आता हुआ क्वेश्चन भी कॉन्फिडेंस न होने के कारण हम लोग छोड़ दे रहे थे, अब आप उसे उस क्वेश्चन को बना पाएंगे और उसमें से अधिकतर क्वेश्चन तो सही होना के होने 100% सही हो ही जाएगा। तो ये सबके लिए बहुत बड़ी खबर है कि अतुल प्रसाद ने नेगेटिव मार्किंग को इस बार के लिए स्थगित कर दिया है। तो चलिए, आप लोग को बेस्ट ऑफ लक और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में और ज़ोर शोर से लग जाइए।